गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग टाइम और समय का लास्ट आपका है टॉपिक, और इस टॉपिक में क्या है आपका कि इसमें जैसे दो पुरुष चार महिलाएं साथ में, या फिर दो बच्चे चार पुरुष साथ में, मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन के तौर पे कह रहा है, और क्षमता के अनुसार उनका अलग अलग है। तो उस टाइप में हम सवाल आज देखेंगे, और सवाल को देखने से पहले क्या है आपका खास बात कि समझना है कि हमने पिछला कितना पढ़ा है। पिछला आपने जो भी पढ़ा है उसका सिर्फ एक ही फंडा है कि समय जो है काम के उल्टा होता है। अगर आदमी कोई काम दो दिन में कर रहा है, मतलब एक दिन कितना करेगा, एक बटे दो भाग करेगा उसका। तो उसी प्रकार का यूज इसमें करेंगे। तो पहले सवाल पे आते हैं, देखिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। देखिए दिया गया सवाल, चार पुरुष छह महिला, कितने पुरुष है, चार पुरुष मतलब पुरुष को लिख सकते हैं चार मैन, छह महिला मतलब फोर सिक्स वोमेन ना, एवं मतलब एवं कह रहा है मतलब दोनों साथ में कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, दोनों साथ में काम कर रहे हैं, एवं मिल के कितने दिनों में कर रहे हैं, उसे आठ दिनों में करेंगे। ठीक है, ये कितने दिन में कर रहे हैं, आठ दिन में, ये हो गया पूरे आठ कर दीजिए, इतना पूरा करेंगे आज। फिर दूसरा कह रहा है तीन पुरुष और सात महिलाएं, कितने पुरुष, तीन पुरुष सात महिला, उसी काम को मिलके कितने दिनों में कर रहे हैं, दस दिनों में कर रहे हैं, यहाँ हो गया दस दिन ना। तो उसके बाद हमें बताना है कि पूरा मिला के दस महिला कितने दिनों में करेगी, उसी काम को दस महिला कितने दिन करेगी, ये आपको बताना है। अब इसका गुणा कर दीजिए, आठ चौका बत्तीस एम प्लस आठ छंग अड़तालीस डब्ल्यू बराबर तीन दाम तीस एम सात दाम सत्तर डब्ल्यू ना। अब यहाँ से देखिए ये यम ला के इधर घटाएंगे तो बचेगा कितना, टू एम, ठीक है, और ये देखिए अड़तालीस इधर ले जाके घटाएंगे सत्तर में से तो आपका आ जाएगा बाईस डब्ल्यू ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या किया गया, 48 लाख यहाँ W वाले को W वाले तरफ किया गया, यम वाले को यम वाले तरफ किया गया, 32 में से 30 घटा दिए 2 आ गया, 70 में से 48 घटा दिए 22 आ गया। अब यहाँ से 2M बराबर 1W, 22W आ गया, एक यम बराबर एक आदमी कितने औरतों के बराबर है, 11 औरतें, औरतें ना बहुत कम काम कर रही हैं, 11 औरतें जितना काम कर रही उतना एक आदमी काम कर रहा है। तो यहाँ आपको 10 औरतों का पूछा गया है ना, तो देखिए यहाँ से पहले एक यहाँ से इसको किसी एक भी क्वेश्चन में रख दीजिए, क्या कह रहा है, आठ सॉरी दिया गया क्या कि चार आदमी है प्लस छह औरतें, उसी काम को आठ दिन में कर रही है, मतलब एक दिन में कितना भाग कर रही है, एक बटे आठ भाग कर रही है ना। अब यहाँ से चार आदमी के बजाय हम लोग लिख सकते हैं ग्यारह चौका चौवालीस, मतलब चार गुड़े ग्यारह औरतें प्लस छह औरतें, मतलब ग्यारह चौका चौवालीस और छह हो गया कितना, 50 औरतें किसी काम को एक दिन में एक बटे आठ भाग कर रही है, 50 औरतें एक दिन में एक बटे आठ भाग कर रही है। तो यहाँ से हो जाएगा, अगर आपको बताना कितना है 10 का, तो पहले एक औरतों का निकाल लीजिए, एक औरत बराबर हो जाएगा एक बटे आठ बुढ़े 50 भाग, एक दिन में कितना कर रही है, एक बटे आठ बुढ़े 50 भाग, तो 10 औरतों का बताना है हमें, तो हो जाएगा कितना, 10 औरतों बराबर हो जाएगा 10 बुढ़े आठ बुढ़े 50 ना, ये हो गया 10 औरतों के लिए। यहाँ से आ जाएगा एक जीरो से जीरो कट गया, आया कितना एक बटे चालीस, एक बटे चालीस भाग ना। अब यहाँ से समझ लीजिए 10 औरतें एक दिन में एक बटे चालीस भाग कर रहा है, कितना भाग कर रहा है, एक बटे चालीस भाग, तो एक काम करने के लिए कितना लगेगा, एक के ऊपर चला जाएगा मतलब 40 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, 40 दिन लगेगा, किसको, 10 औरतों को, वही काम करने में लग गया समय, कितना हुआ हमारा 40 दिन हो गया। ठीक है, अब आते हैं इसको हम ट्रिक से देखेंगे कैसे इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए ये सवाल आपको दिया गया, जब यहाँ पे या लगा रहेगा मतलब वो लोग बराबर हैं, तीन आदमी कितने के बराबर हैं हमारे, तीन पुरुष जो है चार महिलाओं के बराबर है, ये कंडीशन दिया गया है, मतलब यहाँ से पुरुषों को अगर बराबर करेंगे तो एक पुरुष कितने के बराबर हो गया, चार बटे तीन महिला के बराबर हो गया ना, ये हो गया आपका। और आपको बताना कितने का है, सात पुरुष का बताना है और प्लस पांच महिलाओं का बताना है ना, दोनों का बताना है, मतलब यहाँ से सात पुरुषों में आप क्या करेंगे, एक पुरुष का जानते हैं, हो जाएगा सात गुणे चार बटे तीन महिला प्लस पांच महिला ना, तो क्या सात चौका अट्ठाईस बटे
तीन महिला प्लस पांच महिला बटे एक कर दीजिए, ठीक है। 28 एक 28 पाँच पंद्रह हो जाएगा कितना, 28 प्लस 15 बटे 3 बराबर आ गया 43 बटे 3 महिला। इतनी महिलाएं हमारी काम कर रही हैं ना, तो ये उसी काम को कितने दिन करेंगे आपको यही बताना है। तो इसमें देखिए ये तो बराबर हो गया, यहाँ से ये 43 दिन कर रहा है, एक पुरुष है ना, तो एक पुरुष इतने दिन में कर रहा है तो तीन पुरुष लगेंगे कितना हो जाएगा। तो भी देखिए यहाँ से एक पुरुष बराबर हो गया इतना, तो यहाँ देखिए कि क्या दिया गया है, चार महिलाएं जो हैं किसी काम को 43 दिनों में कर रही हैं। चार महिला कितने दिन कर रही है, 43 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगी, 1/43 भाग ना, एक दिन में कितना भाग करेंगी वो, 1/43 भाग, कौन, चार महिलाएं मिलकर। तो एक महिला कितने काम करेगी, एक महिला करेगी 43 गुणे चार भाग ना, एक महिला कितना करेगी, तो 1/43 गुणे चार भाग करेगी। और आपको बताना है 43 सही चार तीन सॉरी 43 बटे तीन महिलाओं का, तो 43 सही तीन महिलाओं के लिए आपका हो जाएगा क्या, 43 सही तीन गुणे 1/43 गुणे चार, ये एक महिलाओं का 43 में कूड़ा कर दीजिए 43/3 में। यहाँ से 43 से 43 कट गया, आया कितना 3 चौका 12, मतलब आपका हो गया एक दिन में 1/12 भाग काम करेंगी। अगर वो एक दिन में 1/12 भाग कर रही हैं तो एक काम करने में लगा समय, एक काम काम में लगा समय बराबर, इसी का पलट देंगे, लगा समय बराबर हो जाएगा आपका 12 दिन, कितना दिन लगेगा ये आपका 12 दिन लगेगा, ठीक है। दिनों की संख्या कितनी आ गई, 12 दिन आ गया। यहाँ से पहले निकालेंगे तीन महिलाएं चार औरतों के बराबर है, एक औरतें बराबर एक आदमी बराबर हो गया 4/3 महिलाओं के। फिर यहाँ रख देंगे सात औरतें, सात आदमी पांच औरतें हैं, तो सात आदमी के स्थान पर 4/3 से गुणा करके औरत बना दिए, यहाँ से हो गया 28/3 औरत, यहाँ हो गया पांच औरत, दोनों जुड़े 43/3 औरतें आ गई, टोटल उतना काम कर रही है। तो हमें यहाँ से पता चला कि चार औरतें 43 दिन में करती हैं ना, नहीं दिया गया चार महिलाएं या फिर तीन पुरुष है, हमने मान लिया चार पुरुष चार महिलाएं 43 दिन में कर रही है, तो एक औरतें 1/43/4 भाग करेंगी, तो ये 43 को इसमें गुणा कर दिए, यहाँ से आपके आ गया 12 दिन, ठीक है। अब आए ट्रिक पे देखते हैं, देखिए ये सवाल आप ट्रिक से कैसे लगाएंगे। देखिए तीन आदमी चार औरतों के बराबर हैं और ये समय ले रहे हैं 43 दिन, कितना दिन समय ले रहे हैं 43 दिन, मतलब हो गया तीन आदमी कितना समय ले रहे हैं 43 दिन ले रहे हैं ना, एक आदमी कितना समय लेगा 43 गुणे 3 दिन लेगा, कितना दिन लेगा 43 गुणे 3, और ये एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में किया गया काम होगा 1/43 गुणे 3 भाग होगा, ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए दूसरा कंडीशन, चार औरतें जो हैं किसी काम को, देखिए चार औरतें किसी काम को 43 दिन में कर रही हैं ना, तो एक औरतें उसी काम को कितने दिन करेगी, 43 गुणे 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक औरतें 43 गुणे 4 हो गया, मतलब ये इतने दिनों में करेगी, मतलब एक दिन में किया गया काम इसका होगा 43 गुणे 1/4 ना, ये दो कंडीशन हो गया। ट्रिक देखिए सिर्फ क्या निकालना है, हमें निकालना है सात आदमी और पांच महिलाओं का ना, यहां से 1/2 करिए, सात आदमी पांच औरत, ये करिए दूसरे स्टेप में यही, जहां आदमियों की काम आया क्या 1/43, तो मतलब इसी से गुणा कर दीजिए, गुणा करना मतलब इसी से भाग हो जाएगा 43 गुणे 3 से इसमें, और औरतें वाले में कितना आ रहा है 43 गुणे 4 से, मतलब ये आ गया 43 गुणे 4 आ गया। अब देखिए सिर्फ क्या करना है, यहां 43 यहां 43 कॉमन है, ऊपर चला जाएगा 43/4 यहां पे है, 4 से इसमें गुणा करिए 7 चौका 28 आ गया, फिर इधर प्लस करिए, फिर यहाँ 3 है तो 3/5 15 आ गया, और पूरे का 1/4 12 आ गया, समझ में आया कि नहीं। ये 43 जो था कामन लेके उसको ऊपर लिख दिया, और ये जो था इन दोनों को जोड़ दिया, 4 का गुणा इधर किया 7 चौका 28 आ गया, 3 का गुणा 5 में किए 5 15 आ गया, और इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया कितना आ गया 12 आ गया। फिर देखिए यहाँ से क्या हुआ कि हमारा हो गया 43 और पंद्रह आ गया, ये हो गया 43 और 15 हो गया सॉरी 28 और 15 हो गया 43 और पूरे का बटे हो गया 12, ये 43 से 43 कट गया, ये ऊपर एकदम चला जाए कितना आ गया 12 दिन आ गया, ठीक है। ये आपका ट्रिक है, ये आप पहली बार लगा रहे हैं इतना बड़ा आ रहा है, वरना जब आप पहले प्रैक्टिस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से कि तीन औरतें ये बराबर है, हमको ये लिखने जरूरी है, डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 औरतें 1/43 बटे भाग,
जितना दिन दिया गया उतने संख्याओं में उनके गुणा करके इसमें भाग करिए जो लगाना है, फिर उसमें पांच औरतों में तो उसमें औरतों वाले से भाग कर दीजिए और उसको ऊपर लेके चले जाइए, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए ये आपका सवाल फिर देख लीजिए, उसी टाइप का है, बस इसमें तीन लोग आ गए हैं, एक पुरुष आ गया, दो महिला आ गया, तीन बच्चे, या फिर तीनों लोग हैं, मतलब एक कौन है, पुरुष है, या कह रहा है मतलब बराबर होगा दो महिलाओं के बराबर है, दो महिला दो डब्ल्यू के बराबर हो गया मतलब, और तीन बच्चे, कितने बच्चे हैं, तीन बच्चे, मतलब ये तीन बॉयज हो गया ना, कितने दिनों में कर रहे हैं, चाहे ये करे तो भी 44 दिन, ये करे तो भी 44 दिन, ये करे तो भी 44 ही दिन ले रहे हैं, ये कितना दिन ले रहा है 44, ये भी कर रहा है कितना दिन ले रहा है 44 दिन, और ये कर रहा है तो भी कितना दिन ले रहा है 44 दिन ले रहा है ना, तीनों मिला के अगर करेंगे तो कितना दिन लेंगे ये आपको बता रहा है, कौन कौन कर रहा है, तीनों मिल के, मतलब एक पुरुष, एक बच्चा, या फिर एक सॉरी एक महा मतलब मोह में लिख लीजिए, या फिर एक बच्चा, तीनों मिल के करेंगे कितना दिन लेंगे। आप निकाल सकते हैं कैसे, पहला तो तरीका ये था कि आप लॉन्ग मेथड यूज करिए ना, लॉन्ग मेथड क्या है, यहां से आप जानते हैं कि एक औरत, एक आदमी दो औरतों के बराबर है और दो औरतें तीन बच्चे के बराबर है, यहां से एक बच्चा बराबर हो जाएगा, एक बच्चा बराबर हो जाएगा दो बटे तीन औरत ना, एक बच्चा उतना ही काम करेगा जितना दो बटे तीन औरतें करेंगी, और एक पुरुष उतना काम करेगा जितना दो महिलाएं करेंगी, मतलब जहां एक और एक औरत लिखा गया है वहां लिख देंगे कितना है, दो महिला हो गई, कितनी महिला हो गई, दो महिला हो गई, और जहां एक महिला है उसको एक महिला रहने दें, और जहां एक बच्चा है वहां लिख दे दो बटे तीन महिला ना, ये हो गया, ये लॉन्ग मेथड है आपका। तो तीन सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया, तीन एक तीन, तीन दो छह, छह डब्लू, तीन डब्लू प्लस दो डब्लू बटे आ गया तीन, मतलब हो गया पांच ग्यारह बटे तीन महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। आपको पता है कि दो महिला 44 दिन, दो महिला 44 दिनों में कर रही है ना, दो महिला कितने दिन कर रही है, 44 दिन में कर रही है, तो मतलब एक दिन में कितना भाग करेगी, एक बटे 44 भाग, तो यहां से एक महिला एक दिन में कितना करेगी, एक बटे 44 गुणे दो दिनों में इतना भाग करेगी ना, एक महिला का आ गया, तो ये 10 बटे तीन महिला का है, इसी में गुणा कर दीजिए, तो 10 बटे तीन महिलाओं का, सॉरी 11 बटे तीन है, 11 बटे तीन महिलाओं का हो जाएगा, 11 बटे तीन गुणे एक बटे 44 गुणे दो ना, 11 के 11 11 चौका 44 चार आ गया, चार दूनी आठ, आठ तरीका 24, एक बटे 24 भाग करेगा, तो एक बटे 24 भाग कर रहा है ना, इसका मतलब आगे वो कितना दिन लगाएगा, 24 दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा, 24 दिन लगेगा, चार तीन 12, 12 दिन 24, हाँ ठीक है 24 दिन लगेगा, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप उसको ट्रिक से लगाएंगे तो क्या करेंगे, ट्रिक में देखिए थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा, थोड़ा सा शॉर्ट कहाँ होगा, ये आप इसको मिटा दीजिए ना, क्या करेंगे आप पहले लिखेंगे एक एक बटे एक महिला एक पुरुष एक बच्चा, यहाँ करिए वोमेन एक वोमेन और एक बच्चा ना, अब देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, एक बच्चा 44 दिन ले रहा है तो ये हो जाएगा एक बच्चा गुणे 44 दिन ना, दूसरा दो दो औरतें 44 दिन ले रहा है तो दो गुणे 44 दिन, तीन औरतें तीन बच्चे 44 दिन ले रहे हैं तो तीन गुणे 44 हो गया, ये कंडीशन आ गई आपकी, तीनों में 44 44 कॉमन है, 44 ऊपर लेके चले जाइए, यहाँ से आ गया 44 ऊपर। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, दो है एक है यहाँ तीन है, अगर आप ऐसे करेंगे एक बटे एक, एक बटे दो, एक बटे तीन, ये भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तब कर लिया जाए, बाकी तो आप यहाँ से डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, इन सबको जोड़ना सबका एलसीएम हो जाएगा कितना, छः हो गया, तीन दूनी छः, छः के छः यहाँ हो जाएगा, दो से यहाँ कटेगा तीन आ जाएगा, यहाँ से तीन से कटेगा दो आ जाएगा, सीधा सीधा जोड़ दीजिए, ये हो गया पाँच छः ग्यारह ना, कितना हो गया पाँच छः ग्यारह, मतलब हो गया 44 बटे 11 बटे 6, 11 चौका 44 4 आ गया, और ये 6 का ऊपर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा क्या 4 गुणे 6, 4 छक्का 24 आ गया, आपका आंसर आ गया ना, ये मेथड आपका ट्रिक वाला है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सिर्फ आपको ये सब भी नहीं करना है, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखना है कि जितना जिसको बताना है आपको एक बटे कर दीजिए उसको, क्योंकि वो भाग पहले आएगा उसी को पलटेंगे, एक बटे क्योंकि काम हो गया, एक महिला एक आदमी था, एक बच्चा औरतें थी और एक महिला बच्चा था,
तो एक औरत सॉरी एक आदमी 44 दिन, दो औरत 44 दिन, तीन और तीन बच्चे 44 दिन। एक इसलिए निकाला गया क्योंकि एक एक लोग का काम आ गया। यहाँ से इसको सिर्फ सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं दूसरा सवाल। देखिए ये आपको दिया गया है 12 पुरुष 16 बच्चे। आप आराम से देखिए सवाल को, लास्ट सवाल है ये इसका। आप इसमें देखेंगे जो सवाल आपको नहीं आएगा वो हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम एक वीडियो और बनाएंगे आप लोग का अगर जो भी नहीं आएगा तब। ठीक है, कमेंट करिएगा जरूर। क्या क्या है 12 पुरुष 16 बच्चे किसी काम को 5 दिन में, मतलब यहाँ से हो गया 12 पुरुष 12 आदमी, 16 पुरुष मतलब प्लस में 16 बच्चे ना बॉय, किसी काम को कितने दिन करें 5 दिन में। अच्छा ये बताइए, आपको पता है ना कि अगर कोई 2 व्यक्ति हैं किसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, 2 व्यक्ति कितने दिन करें 4 व्यक्ति हैं, तो फिर अगर वही कर दिया जाए 1 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, 1 व्यक्ति कितने दिनों में करेगा, तो आप कह सकते हैं कि 4 × 2 दिनों में, 4 × 8 दिनों मतलब करेगा ना। और अगर यही तुमसे कहा जाए कि 1 दिन में अगर पूरा काम कराना है कितना आदमी लगेंगे, जैसे 2 आदमी थे 4 दिनों में कर दे रहे थे, अगर 1 दिन में कराना है मतलब 8 आदमी, 2 × 4 में करेंगे तो 8 आदमी, अगर 8 आदमी आ जाएंगे तो वो 1 ही दिन में पूरा काम कर देंगे ना। इसी प्रकार इस सवाल को भी समझिए कि 12 आदमी 16 बच्चे किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं 5 दिन में, तो अगर इसी काम को 1 दिन में कराना है, कितने दिन में, सिर्फ 1 दिन में अगर कराना है तब क्या करना होगा, 1 दिन कराने के लिए मतलब इससे गुणा कर दिया जाए, तो 12 आदमी + 16 बच्चों में 5 से गुणा कर दीजिए, इतने ही आदमी लगेंगे, 1 दिन में वही काम हो जाएगा ना। अब यहाँ से 1 दिन का निकल गया, 1 दिन में इतना आदमी चाहिए तो वो पूरा काम कर देंगे। फिर देखिए दूसरा कह रहा है कि अगर 13 पुरुष और 24 बच्चे कर दें, कितने पुरुष 13 पुरुष + 24 बच्चे कर दें उसी काम को 4 दिनों में कर रहे हैं, कितने दिन कर रहे हैं 4 दिनों में कर रहे हैं, तो मतलब आप अगर इसको ये भी कहें कि वही तो काम है ना, काम तो वही है, अगर इसको 1 दिन में इस काम को 1 दिन कराना है तो कितना समय लगेगा, तो 1 दिन का मतलब इसमें 4 से गुणा कर दीजिए, ये वाइज है। ये 13 आदमी और 24 बच्चों को एक साथ करके 4 से गुणा कर दीजिए, इतना समय लगेगा 1 दिन में, सॉरी 1 दिन में इतने आदमी चाहिए, मतलब 13 × 52 और 24 × 96 बच्चे चाहिए, या फिर आपको 12 × 25 = 60 आदमी और 16 × 25 = 80 लड़के चाहिए, ऐसा 2 कंडीशन दे दिया जाए 1 दिन में, तभी ये लोग आ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा और ये लोग आ जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है ना, यही से तुलना करते हैं लोग कि 12 × 2 = 12 करेंगे 12 × 25 = 60 आदमी और 16 × 25 = 80 बॉयज, ये बराबर काम करेंगे, कितने के बराबर, इन सब के बराबर, 13 × 52 आदमी और 24 × 96 लड़कों के बराबर वो लोग काम करेंगे। अब यहाँ से 60 में ये आदमी वाले घटा दीजिए, 60 में से 52 घटाएंगे तो 8 आदमी बचेंगे हमारे, और 96 में से 80 घटा दी इधर ले जाके इधर बचेगा 16 बच्चे। तो यहाँ से तुलना करने हमारा आ रहा है 8 × 8 = 8 × 16, एक आदमी उसी काम को कितने दिन करेगा, 2 बच्चे जितना काम करेंगे उतना एक आदमी काम करेगा, ये कंडीशन हमें मिल गई ना। अब यहाँ से हमें बताना है कि 7 आदमी और 10 बच्चे, क्या बताने हैं, 7 आदमी और 10 बच्चों का काम बताना है। पहले ये जान लीजिए यहाँ 7 एक आदमी 2 बच्चे बराबर, 7 आदमी तो कितने बच्चे बराबर, तो 7 में 2 से गुणा कर दीजिए, मतलब आ जाए कितना 14 बच्चे ये और 10 बच्चे ये, हो गया कितना मिला के 24 बच्चे। अब हमें बताना है कि 24 बच्चे कितने दिनों में करेंगे। अब यहाँ आपको ये नहीं पता है कि एक बच्चा कितने दिन कर रहा है, अगर एक का पता चल जाएगा तो 24 का हम बता देंगे, उसी में 24 से भाग करेंगे। यहाँ से निकाल सकते हैं 12 आदमी और 16 बच्चे ना। यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन में कि यहाँ रख दीजिए, क्या रखेंगे कि 12 आदमी है, कितने आदमी है 12 आदमी और 16 बच्चे किसी काम को 5 दिनों में कर रहे हैं, 12 आदमी के स्थान पर रख दे 12 × 2 मतलब 24, मतलब हो गया 24 + 16 बच्चे मतलब आ गया 40 बच्चे किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, 40 बच्चे किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, तो एक बच्चा कितने दिन में करेगा 5 × 40 दिनों में ना।
तो 5 × 40 मतलब 200 दिनों में करेगा। एक बच्चा किसी काम को 200 दिनों में करेगा, उसी काम को कितने दिन करेगा, 200 दिनों में करेगा। आपको बताना है तो 24 बच्चे कितने दिनों में करेंगे, तो हो जाएगा कि 24 बच्चों की संख्या बराबर हो जाएगी 24 से भाग करेंगे 4, तो कितना आ रहा है 200 ना, तो 200 / 24 ये आपका आंसर हो गया। काटे तो 4 × 24 6 आ गया, 4 × 10 = 50 आ गया, फिर 2 से काटे 3 आ गया, 2 से काटे 25 आ गया, मतलब आ गया 25/3, तो गया 8 सही, 8 × 24 1/3, मतलब 8 सही 1/3 का समय लगेगा। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हम लोग का वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। जो भी आपका डाउट होगा वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, और कमेंट आएगा तो आपके सारे सवाल सॉल्व किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।